और हवस, क्या प्यार मतलब सिर्फ फिजिकल रिलेशनशिप है? क्या सिर्फ फिजिकल रिलेशनशिप का ही मतलब प्यार है? आज हम इसी पर बात करेंगे। सो हेलो दोस्तों, आई एम मेघा। दोस्तों आपको पता है मैंने इस चैनल पर बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं जिसमें मैंने आपको कहा है कि गर्ल्स को कैसे इंप्रेस करें, बात करके, बिना बात करके। बहुत सारे साइकोलॉजिकल रूल है, ठीक है, ये सब तो हो गई बातें, आपको पता ही है। लेकिन जो मेन मैटर है वो ये है कि कुछ कमेंट्स आते हैं, ठीक है, या फिर अगर छोटी लड़कियों के बारे में बात करें तो भी कुछ कमेंट्स आता है, तो उस पर मैं एक रिप्लाई देना चाहती हूँ। फ्रेंड्स देखो, जब हम किसी के साथ प्यार करते हैं ना, तो प्यार सिर्फ प्यार होता है, उसका मतलब फिजिकल रिलेशन नहीं होता। और आप में से सबको पता है कि प्यार का जो पहला फीलिंग है ना, ये टीनेज में ही आता है। वो जब 8-9 क्लास का प्यार होता है ना, विश्वास करो वो सबसे क्यूट और सबसे ट्रू लव होता है। क्योंकि उस वक्त इंसान प्यार के मतलब सिर्फ प्यार समझता है, क्यूटनेस होता है, वो कहते हैं ना बटरफ्लाई इन द स्टोमक, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। जब किसी को देखने के लिए बस स्कूल जाए, क्लास में बिल्कुल मन ना लगे जब वो बंदा या वो बंदी क्लास में ना है, जब सिर्फ एक नज़र उसको देखने के लिए आप 10 किलोमीटर चलो, वो होता है प्यार। लेकिन सब बोलते हैं यार तुम क्या कह रही हो, ये इनलीगल है। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बताऊं, प्यार करना कोई इनलीगल नहीं है। जब हम छोटे होते हैं ना तो भी हम अपने मम्मी पापा से प्यार करते हैं। यार प्यार कोई इनलीगल चीज़ नहीं है, इस बात को फिजिकल रिलेशन के साथ मत ऐड करो कि प्यार मतलब फिजिकल रिलेशन है। अगर आप बस ये सोचते हो ना कि आप रिलेशनशिप में सिर्फ लस्ट के लिए, हवस के लिए जा रहे हो, तो आप गलत सोचते हो, तो आपकी सोच ही गलत है। प्यार मतलब सिर्फ और सिर्फ ट्रू फीलिंग्स होता है, एक दूसरे से अपनापन होता है, इसका मतलब फिजिकल रिलेशन नहीं होता। जब हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं तब होता है, बॉडी की एक नीड होती है फिजिकल रिलेशन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा इंसान या फिर हमेशा वही करे कि यार फिजिकल रिलेशन, प्यार मतलब फिजिकल रिलेशन नहीं। मेरे पास बहुत सारे ऐसे इंस्टा पे कमेंट्स आते हैं जिसमें कोई लड़का मुझे कहता है यार मेरी जो गर्लफ्रेंड है वो मेरे साथ कमरे में नहीं आना चाहती, मैं क्या करूँ। मैं हमेशा उसको यही रिप्लाई देती हूँ कि आप वेट कीजिए। अगर आप किसी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में जाते हैं तो उसके लिए मिनिमम एज 18 होना चाहिए, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि दोनों की मर्जी से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अपने पार्टनर को ज़बरदस्ती करें या फिर उसको इमोशनल ब्लैकमेल करें कि नहीं तुम्हें मेरे साथ फिजिकल रिलेशन में जाना होगा, ये प्यार नहीं है। और आप अगर किसी को इम्प्रेस करते हो सिर्फ इस चीज़ के लिए ना, तो पता है आपकी सोच ख़राब है। मैं इस चैनल पर इस तरह के वीडियोस नहीं बनाती, लेकिन मुझे लगा कि मैं इस तरह के वीडियोस बनाऊं, एक वीडियो मेरे चैनल पर जाएगा। दोबारा मैं कभी इस टाइप का वीडियो बनाऊंगी या नहीं बनाऊंगी पता नहीं, लेकिन मैं आपको बस इतना बताना चाहती हूं कि प्यार मतलब सिर्फ प्यार होता है, और जो सबसे क्यूटनेस वाला प्यार होता है ना, वो टीनेज में होता है, बटरफ्लाई इन द स्टोमक, ना कि किसी के साथ बेडरूम में जाकर या फिर किसी के साथ रूम में जाकर या ओयो में जाकर प्यार होता है। इस बात को समझिए और इस बात को समझने का कोशिश कीजिए, ठीक है दोस्त। इसका मतलब ये नहीं कि आप करियर पर फोकस मत कीजिए, करियर पर फोकस करना चाहिए। टीनेज का टाइम पे इंसान करियर पर फोकस करता है तो वही सक्सेस होता है। लेकिन मेरा बोलने का मतलब ये है कि टीनेज का प्यार जो होता है वो सबसे ट्रू होता है। पता है क्यों? क्योंकि सब तब से प्यार समझते हैं। ये नहीं कि मैं उसके साथ रिलेशनशिप में जाऊंगी, उसके बदले मैं उसके पैसे उड़ाऊंगी या फिर उसके बदले वो मुझे शॉपिंग करवाएगा, ये चीज़ नहीं होता उसके बदले। इसीलिए मैं कहती हूँ कि यो प्यार प्योरेस्ट होता है। बाकी टीनेज में पढ़ाई पे भी और करियर में भी फोकस करना चाहिए। ये बात को आप समझिए कि प्यार आपका ज़िंदगी का एक हिस्सा हो सकता है, ना कि आपकी पूरी ज़िंदगी हो सकता है। बस दोस्तों यही थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, और हो सकता है कि मेरी सोच आपकी सोच से ना मिले, अगर ऐसी बात है तो वीडियो को डिसलाइक करना और मुझे ये बताना कि मैंने गलत क्या बोला। मैं अब भी बोलती हूँ प्यार मतलब सिर्फ प्यार होता है, फिजिकल रिलेशन नहीं होता, और मैं यह हमेशा बोलूँगी, ओके। और साथ ही अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हो, मेरा इंस्टा आईडी है IM_MissMegha।